हाय, मैं हूं अध्ययन सुमन और आप मुझे देख रहे हैं ऑसम टीवी पर। ऐसे ही लोग बोल रहे थे कि सीजन 2 तो होना चाहिए। हाँ, अब तो स्टोरी कंटिन्यू होनी चाहिए एंड नवाब्स को और देख सकते हैं हम एंड वी कैन आल्सो सी मोर ऑफ इट, लाइक यू नो, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ दे आर एक्साइटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ, यू नो, हीरा मंडी इज नथिंग विदाउट द नवाब्स ना। अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू सी रिचाज एंड जोरावर्स लव स्टोरी। यस, इवन आई वांटेड टू। पागल हुई क्यों इतनी? तो आपके पापा को संजय लीला भंसाली ने कॉल किया था, डू यू नो अबाउट दैट? वो एक ऐसा सीन है पूरे शो में मेरे लिए जहां पर आई फील लाइक इफ आई परफॉर्म आई विल बी एबल टू स्टैंड आउट, you know, people will recognize me. और उसका जो मोटिवेशन था वो वॉज माई लाइफ, कि जिंदगी में इतना उतार चढ़ाव देखा है, इतना डाउनफॉल, रिजेक्शन, फेलियर देखा है, ऑल दैट स्ट्रेंथ that I have was put into that scene. And Sanjay sir, when he saw it, he broke down, he hugged me, he called yes. my father. Yeah, sir ne aisa kuch kaha hai that main aapke saath aur kaam karna chahunga, bahut jald kaam karna chahunga. Of course, if I am worth, I might get something even bigger with sir. Who knows? And sir, repeat karte hain apne actors ko. Do you feel that fame is a game? Jab aapke paas, jab aap limelight mein ho, to jaise ab jo aapka character hai, wo itna popular ho gaya, har koi hai aapke messages pe hai, fan pages mein. Par aapne ek wo bhi daur dekha hai, jab ye sab kuch nahi tha. In the middle, when you were struggling, ek ek karke films ja rahi thi. And jab aapne debut kiya tha, tab bhi media bahut thi. Correct, correct. To is cheez ko aap kis tarah se lete? Shayad kal na ho, agar aaj hai to. Yeah. Phir se wo din aayega jab it'll not be there. लोग शायद भूल जाएं क्या पता। मुझे सुबह उठ के काम पे जाना है और मुझे वो काम करना है जिससे मुझे बहुत प्यार है। दिस इज द टाइम फॉर मी टू गो आउट एंड नाउ स्पेशली शो। देखिए, मैंने ये काम किया है, शो हिट हो चुका है, कैरेक्टर हिट हो चुका है। अब मुझे जो है अच्छे रोल्स प्लीज दीजिए, मैं ऑडिशन करने के लिए भी तैयार हूँ। Hi, this is Aastha Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. आज हमारे साथ है अध्ययन सुमन। वैसे हमने इनसे कॉन्वर्जेशन की थी जब इनका म्यूजिक वीडियो आया था, एंड तब इन्होंने कहा था कि मुझे काम की भूख है, मुझे कोई अच्छा काम देकर बताओ, मैं खुद को प्रूव करूंगा। एंड यर यू सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, यू प्रूव्ड योर सेल्फ, एंड मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है दैट मैं आपको इंटरव्यू कर रही हूँ। एंड अगेन वी आर रिकॉलिंग दैट इंस्टेंस। सो हाय अध्ययन, वेलकम टू Awesome TV. Thank you for having me here and I'm so excited here. As you said, हम लोग पहले मिल चुके हैं और बहुत अच्छे occasion के लिए मिल रहे हैं। जी जी जी। So yes, I'm doing good. How are you doing good? I'm doing good. हीरा मंडी में आपकी परफॉर्मेंस देखने के बाद मैंने एक बार फिर हीरा मंडी देखी कल रात को, और फिर से मैं बिंज वॉच कर रही थी। आई एम श्योर सब यही कर रहे हैं। किस तरह से प्रेजेस आ रहे हैं? यू नो, आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस, इट हैपेंड टू मी ड्यूरिंग आश्रम ऑल्सो, कि एक तो होता है कि लोग आपको मैसेज करते हैं, कहते हैं अच्छा था, गुड, पर जब लोग वक्त निकाल के आपके लंबे लंबे चिट्ठियां लिख रहे हैं ना इंस्टाग्राम पे और आपके डीएम पर, वो आई थिंक इट्स क्रेजी, यू नो, फ्रॉम एलए, फ्रॉम न्यूयॉर्क, फ्रॉम यूके, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम अफगानिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम ऑल दिस प्लेसेस दैट पीपल आर राइटिंग, और ये बोल रहे हैं कि वी आर रूटिंग फॉर यू टू नाउ गो अहेड एंड डू समथिंग इवन बिगर एंड बेटर। आई थिंक इससे बढ़कर मेरे लिए वो बात कुछ हो ही नहीं सकती। जब आपकी खुद की एक जर्नी रहती है कुछ सालों की और उसको लोग फॉलो करते हैं और फिर उसमें से कुछ लोग नए साथ में जुड़ते हैं, साथ में मिलकर फिर रूट करते हैं, यार ये कहाँ था, या बहुत अच्छा लगा, या इसको देखकर यू वांट टू सी मोर ऑफ हिम, दैट आई थिंक इज़ ब्यूटीफुल, यू नो। एंड उसमें से कुछ बहुत इमोशनल मैसेजेस, कुछ ये कि हमने हीरा मंडी दो बार सिर्फ आपके लिए देखी, जैसे मैंने भी आपको कहा, जैसे आपने कहा, जैसे बल्कि हीरा मंडी प्राइमरीली इज अबाउट द वुमेन, हमारा रोल फिर भी थोड़ा सा रिलेटिव छोटा है उसमें, लेकिन उसके बीच में भी लोग जब आपको इतना सराहा रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है? क्या बात है। नहीं, डेफिनेटली, बिकॉज यू नो जिस तरह से आपने पोर्ट्रे किया अपना रोल, देखो ऑफकोर्स स्क्रीन टाइम जो है, जैसे इट्स अबाउट वुमेन, बट फिर जितना स्क्रीन टाइम मिला उसमें आप शाइन हुए हो, कि उसमें लोग आपको याद रख रहे हैं, आपके कैरेक्टर को याद रख रहे हैं। इनफैक्ट फर्स्ट एपिसोड में आपका जो आपके जो जेस्टर्स थे, जिस तरह से वो थ्रोइंग मनी आल्सो, वो अंदाज किस तरह से आया, वो क्या ये आपकी ओन क्रिएटिव लिबर्टी थी या संजय सर ने आपको कहा था कि इस तरह से करिए? नहीं, आई थिंक अ लॉट ऑफ द लिबर्टीज दैट संजय सर गिव्स एन एक्टर, कि ये समझा दिया तुमको, अब इसको ऐसे करो। When you start doing it, उसमें से कुछ चीज़ें उनको पसंद आती हैं, कुछ चीज़ें वो बोलते हैं इसको मत करो, फिर कुछ चीज़ें वो ऐड करते हैं, ऐसे कर करके सर के साथ सीन्स बनते हैं हमारे। और बाकी आपका गेटअप, वो कॉस्ट्यूम्स, वो सेट्स, वो देखकर ही आप ऐसे नवाबियत में आ जाते हैं। सच्ची, मुझे भी अभी वही लग रहा है कि खूबसूरत सेट बनाया था। You were so much in your character. I was when I was there and gone, जब मैं सेट पर गया था तो मुझे लगा मैं एक्चुअली हीरा मंडी में हूँ। मतलब आपको लगा ही नहीं था कि आप फिल्म सिटी में हो, आपको लगा आप हीरा मंडी में हो। इस तरीके की डिटेलिंग उस सेट पे सर ने की, और जो आई मीन एवरीबॉडी नोज द वे संजय सर क्रिएट्स मास्टरपीस, यू नो, इज आउटस्टैंडिंग रियली।
डेफिनेटली. एंड जब मैंने आपको शुरुआत में देखा था, यू वर प्लेइंग योर मिनी डैड, इट वॉज अमेजिंग टू सी यू लाइक दैट, बिकॉज आप फादर और सन की जो जोड़ी है बहुत पसंद करते हैं लोग. एंड इसके बारे में भी आपको बहुत लोग बोल रहे हैं कि यार संजय लीला भंसाली में एक रोल मिलना इतना डिफिकल्ट है, आप तो दो दो कर चुके हैं, मतलब इससे बेहतर कमबैक क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है. और अब मैं चाहूंगा कि इसके बाद वो कमबैक वर्ड कभी यूज ना हो, बिकॉज मैं कभी बैक जाऊंगी ना. ऑफ कोर्स, अपवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, अपवर्ड्स एंड अपवर्ड्स फ्रॉम हियर. और मैंने गलती से सपना देख लिया था सर के साथ काम करने का, उसमें दो रोल मिल जाएंगे, पिवोटल रोल्स मिल जाएंगे शो में, मुझे ये नहीं पता था. डेफिनेटली, no complaints man, I'm just really happy ki logon ko dono role pasand aa rahe hain. Zoravar to of course because he's the one of the main nawabs in the show, here I play my extended version of my father, but yeah. phir bhi unko wo bhi bahut pasand aaya, you know, so I'm really happy, I'm very happy dude, I really am. बात करें आपके डायलॉग डिलीवरी की, तो आपके पापा को संजय लीला भंसाली ने कॉल किया था, डू यू नो अबाउट दैट? एंड ही इवन सेड दैट क्या कमाल का एक्टर है. डैड वाज नर्वस बिकॉज आप पूरी रात उनके साथ प्रिपेयर कर रहे थे, प्लीज टेल अबाउट दैट. आपके डैड से तो सुना है, आपसे सुनना चाहते हैं. आई वाज नर्वस बिकॉज दैट सीन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन्स ऑफ द शो, जहाँ पे मलिका जान और जोरावर के बीच में तो कॉन्फ्रंटेशन होता है, पता चलता है कि जोरावर उनकी उन्हीं की औलाद है. द शो स्टार्ट्स ऑफ विद अ बेबी बीइंग सोल्ड, व्हिच इज जोरावर बीइंग सोल्ड राइट टू द नवाब्स. एंड वो मेरे लिए लाइफ एंड डेथ था, बिकॉज आई फेल्ट लाइक वो एक ऐसा सीन है पूरे शो में मेरे लिए, जहाँ पर आई फील लाइक इफ आई परफॉर्म आई विल बी एबल टू स्टैंड आउट, यू नो, पीपल विल रिकॉग्नाइज मी एज माई, रिकॉग्नाइज माई टैलेंट. और उसका जो मोटिवेशन था वो वॉज माई लाइफ, कि जिंदगी में इतना उतार चढ़ाव देखा है, इतना डाउनफॉल, रिजेक्शन, फेलियर देखा है, ऑल दैट स्ट्रेंथ दैट आई हैव वॉज पुट इनटू दैट सीन. और कोई उसका रीजन नहीं था बनाने का, और कुछ तरीका नहीं था कि मैंने शो ये सीन कैसे बनाया, यू नो. एंड आई एंड संजय सर व्हेन ही सॉ इट ही ब्रोक डाउन, ही हग्ड मी, ही कॉल्ड माय फादर, एंड देन ही सेंट योर क्लिप्स आल्सो टू अ लॉट ऑफ एक्टर्स, या, एंड ही वाज लाइक इनक्रेडिबल वर्क ही इज डन. बड़ी बात है, सो ही सेंट माय, या, सो आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल टू गेट द काइंड ऑफ वैलिडेशन और प्यार और रिस्पेक्ट और इज्जत फ्रॉम द वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म मेकर्स इन द वर्ल्ड. इससे बढ़कर मेरे लिए तो मैं और आप मुझे बताएं क्या मांगो, अवार्ड से बढ़कर है मेरे लिए बैज की तरह यहाँ पहन के मैं उसको घूमना चाहता हूँ. I'm not arrogant about it, but I'm just really grateful कि जब दुनिया बात ही नहीं कर रही थी, भूल गई थी आपको, तो यहाँ पे एक आदमी ने आपका हाथ पकड़ के आपको इतना बड़ा मौका दे दिया. सोचा भी नहीं कि आप स्टार नहीं है या हैं या जो भी है, कुछ नहीं कि आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कितने हैं, ये सब कुछ नहीं था ना. एज अ प्योरली एज अ टैलेंट एज एन एक्टर आपको वो मौका दिया उन्होंने. डेफिनेटली, बट वो उस रात को क्या नर्वसनेस थी कि आप अपने डैड के पास गए थे कि प्लीज लैंग्वेज, आई वांटेड टू बी द बेस्ट इन लैंग्वेज. और उर्दू की पकड़ आई फील हमारे जनरेशन में बहुत कम लोग जो हैं उस पे काम करते हैं एक्टर्स, और लैंग्वेज पे काम करना बहुत जरूरी है. तो मैं अपने फादर के पास गया, मैंने उनसे ऑब्वियसली वो सीन बार बार रिहर्स किया, 6 घंटा रिहर्स किया सीन, फिर सुबह के 7:30 बज गए थे, फिर मुझे जाना था सेट पर, तो मैं सोया नहीं पूरी रात, एंड आई हैड टू गो एंड डू द सीन, एंड आई वेंट एंड अर्ली मॉर्निंग में वेंट एंड परफॉर्म द सीन इन वन टेक, एंड इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल, सरियल मोमेंट फॉर मी. Because सब क्लैप कर रहे थे, सब क्लैप कर रहे थे. मैं आपके पिच की बात करूँ तो मुझे आपके वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छी लगी इन दिस शो, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पिच है ना वो ऐसा है कि सामने 10 लोग है ना तो चुपचाप सुनेंगे जी, इस तरह से. कहाँ से आया वो, कहाँ से आया वो पिच, वो टैलेंट कहाँ से आया? आई डिड अ लॉट ऑफ थिएटर इन लंदन, और वहाँ तो सीखा ही वॉइस प्रोजेक्शन कैसे करनी है, और अंदर के जो एक यहाँ के जो गट जो है उसमें वैसे ही बहुत आगे, और जिंदगी में बहुत कुछ करना है. तो जिंदगी आई थिंक इज समथिंग दैट हैज रियली टॉट मी, लाइफ हैज बीन अ ग्रेट स्कूलिंग फॉर मी. Definitely. And directors का क्या response है? क्या किस तरह से, अब मैं अगर कहूँ तो आपके phone में chats किस तरह से हैं? You can see my chats. सबके धीरे-धीरे सबके messages आ रहे हैं, और Instagram तो मेरा जो है, Instagram तो fans से भरा हुआ है अभी. भरा हुआ है वो. That has been beautiful. You know, I've been trying to reply to every comment because it's so exciting for me to read these big letters that they're writing to me. I want to reply because वो एक emotion है उसके अंदर. वो सिर्फ ऐसे लिखने के लिए नहीं लिख रहे हैं. So I want to you know do that, and industry से धीरे धीरे लोगों के फ़ोन आने शुरू हो रहे हैं. और ये अगर मैं आपसे झूठ कहूँ कि भाई शो आते 6 दिन में जो है
मेरे को 10 फिल्में साइन कर ली, ऐसा कुछ नहीं हुआ है. लोगों के फोन आए, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से मिलूंगा और खुद बाहर जाकर लोगों से काम मांगूंगा rather than waiting for the work to come to me now. That's really nice. That's so humble and down. Yeah, this is the time for me to go out and now especially show. देखिए मैंने ये काम किया है, शो हिट हो चुका है, कैरेक्टर हिट हो चुका है. अब मुझे जो है अच्छे रोल्स प्लीज दीजिए. मैं ऑडिशन करने के लिए भी तैयार हूँ. जैसे मैंने हीरा मंडी के लिए भी ऑडिशन किया था एंड आई गॉट द रोल. हाउ वाज योर ऑडिशन लाइक? ऑडिशन तो मैंने कहा था कि वो इज इन द मिडल ऑफ द माउंटेन इन अ कार दैट आई हैड टू गिव बिकॉज़ आई वाज ट्रैवलिंग समवेयर एंड आई गॉट अ लास्ट मिनट फोन कॉल. और फिर वो ऑडिशन किया मैंने और वो मैं ऑडिशन बहुत जल्द बाय द वे इंस्टाग्राम पे रिलीज करने वाला हूँ. और वो हाँ, मैं वो आई रही थी दैट आजकल ऑडिशंस लोगों को क्रेज है. हाँ, अलग क्रेज है कि ऑडिशन दे. वो गाड़ी के अंदर बैठा हूँ मैं और मैं उसको ऑडिशन दे रहा हूँ, तो मैं वो करने वाला हूँ रिलीज. ओ वाओ. And it's Sanjay Leela Bhansali, you can't even miss the opportunity. No, you can't. I said, you can't. ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलेंगे अच्छा नहीं था ऑडिशन, लेकिन ये नहीं बोलेंगे किया नहीं. तो मेरे को तो करना था भाई, तो मैंने करके छोड़ दिया उसको. You know, time नहीं था और खुद ही सेल्फी लेकर मैं अपनी ऑडिशन बना रहा हूँ. It was very tough for me to do that. And it was a 4-pager scene. You know, so I said, चलो ठीक है, कर लेते हैं इसको, जो भी करना है हम लोग को. फिर मुझे वो शो मिला नहीं और फिर 2 महीने बाद फिर से मुझे फोन आया कि You selected, so I said, ये किस्मत है और जो आपकी किस्मत में लिखा है कोई आपसे छीन नहीं सकता. तब आपने पूछा नहीं कि मेरा कितना पार्ट रहेगा, क्या रहेगा? बिकॉज यू नो क्या होता है ना, दैट जब हीरो होता है तो हीरोइन तो साइन हो जाती है, बट जब यू नो ऐसी कोई हीरोइन सेंट्रिक फिल्में होती है तब ना एक्टर्स का एक मेल ईगो होता है एंड बहुत कम एक्टर्स है जो रेडी होते हैं साइन करने के लिए, जो आप में जरा भी नहीं है. एज यू ऑल्सो मेंशन दैट यू नो आई एम प्राउड टू बी दैट वन सीन इज डन फॉर मी. या सो आई मीन इफ आई थिंक अबाउट द फैक्ट कि मेरा रोल जो है वो 8 एपिसोड्स में नहीं, 7 तक नहीं है. बहुत से जो हैं लोग जो हैं कभी कभी बहुत से उनका स्क्रीन टाइम बहुत लंबा होता है लेकिन इम्पैक्ट जीरो होता है. और जिनका शॉर्ट स्क्रीन, जैसे बॉबी सर की देख लो ना आप एनिमल में, लुक एट बॉबी सर्स मैसिव लव दैट इज रिसीव्ड, जहाँ पे कैरेक्टर बोलता तक नहीं है. तो इससे बढ़कर एग्जाम्पल मैं क्या दूँ आपको अब, यू नो. विद मी आई फील लाइक द सेम इज हैपेंड विद जोरावर. Definitely. It might have a shorter screen time, but the impact that Zorawar has on the plot, the story, the narrative is massive. So, I always knew that. और मुझे संजय सर के शो में अगर बोला जाता बेटा जरा कारपेट बन जा, लैम्प शेड बन जा, मैं तो वो भी बन जाता. तो आप तो फिर भी सीन्स की बात कर रहे हो. यू नो मासूम दिल है मेरा, इतना खूबसूरत बड़ा गाना है मेरा शो में. तो what am I even asking for? Yeah. You know, आज इतना मिला है, कल अगर मैं अगर if I am worth, I might get something even bigger with sir. Who knows? And sir, repeat करते हैं अपने actors को. और मैं hope करता हूँ कि मुझे उनके साथ फिर से काम करने का मौका मिला. Really pray from the bottom of my heart. सर ने ऐसा कुछ कहा है that मैं आपके साथ और काम करना चाहूँगा, बहुत जल्द काम करना चाहूँगा. अभी जब हम लोग मीट पे भी थे सक्सेस के, तो इनफॉर्मल अनाउंसमेंट थी सीजन 2 की. हाँ, मैं भी वहीं बैठी हुई थी. या एंड संजय सर, यस यस यस, दैट साइड. ओके ओके. एंड यू वर इन द सेंटर. बट या संजय सर, ही वॉज लाइक, ऐसे हम रैंडमली बात कर रहे थे एंड ऐसे ही लोग बोल रहे थे कि सीजन 2 तो होना चाहिए. हाँ, अब तो स्टोरी कंटिन्यू होनी चाहिए एंड नवाब्स को और देख सकते हैं हम एंड वी कैन ऑल्सो सी मोर ऑफ इट. लाइक यू नो ऑफ कोर्स बिकॉज़ दे आर एक्साइटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ, यू नो, हीरा मंडी इज नथिंग विदाउट द नवाब्स ना. विदाउट नवाब्स हीरा मंडी क्या है. तो सर वॉज वेरी काइंड, ही सेड हाँ हाँ, नहीं हम कर रहे हैं. और आपका अलग एक रोमांस भी देखने मिलना चाहिए हमें. आई थिंक वो थोड़ा मिसिंग हो गया था, रोमांस देखना है. अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू सी रिचाज एंड जोरावर्स लव स्टोरी. यस, इवन आई वांटेड टू. पागल हुई क्यों इतनी, यू नो. एंड आई फील दैट प्रोबेबली दैट विल प्रोबेबली बी दैट वुड बी अमेजिंग. इट विल बी अमेजिंग. अब तो रिचा अनफॉर्चूनेटली डाइज इन द शो, you know, but there can always be a flashback. ये तो है भी ना यार. Even with Sonakshi, it happened the same ना, but उनको लेकर आए फिर से. Exactly. So हो सकता है. Anything is possible. Anything is possible. So let's see क्या होता है. But I want to do season 2, यार. And I hope that we get to see more and more of you. आपके तो और impactful dialogues होंगे. अभी होगा. सर ने वादा किया है, promise किया है कि season 2 will be, I'm guessing, bigger and stronger. It'll happen. अनिल, मतलब जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तब आपके गाने बहुत मशहूर हो गए थे और अब आपके डायलॉग्स बहुत मशहूर हो गए हैं. अब वो एक यू नो वो ग्राफ बढ़ चुका है. अब सिर्फ गाने ही नहीं, डायलॉग्स भी है. जाता हूँ, लोग ये कहते हैं भाई एक सोने का जूता मुझे भी मार दे.
आई एम लाइक भाई सोने का जूता नहीं है, वो डायलॉग था खाली भाई. बट कभी ऐसा लालच नहीं आया कि जब इतना सब कुछ परफेक्ट है, संजय लीला भंसाली व्हाई नॉट ऑन बिग स्क्रीन. यू नो जब मैं देख रही थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था यार मैं ओटीटी पे क्यों देख रही हूं, व्हाई नॉट ऑन बिग स्क्रीन. या इट इज लार्जर देन लाइफ फॉर एवर डूड. इट इज एंड या अनफॉर्चूनेटली जब हमारा प्रीमियर हुआ था तो वो हमने बड़े पर्दे पर देखा था उसको, तो हम लोग देखकर पागल हो गए थे वहां पे तब. वाओ. तो आई मीन बट द फॉर्मेट इज ओटीटी, यू नो. बट होपफुली जब वो फिल्में बनाएंगे अपनी आगे तो उसमें सिनेमा में काम करने का व्हाट अ सेकंड पार्ट एज अ फिल्म ही वो पोर्ट्रे कर दे, दैट वुड बी ग्रेट, राइट? दे कुड बी अ स्पिन ऑफ, दे कुड बी यू नो एनीथिंग हैपनिंग विद देयर नेटफ्लिक्स एंड संजय सर वांट्स टू टेक द शो. बिकॉज़ बहुत यू नो हीरा मंडी इज लाइक द मोस्ट टॉक्ड ओटीटी प्रोजेक्ट एवर, बिकॉज़ ऑसम टीवी इज इंटरनेशनल सो वी आर यूएस बेस्ड एंड वहां पर इतनी चर्चा हो रही है. मैं जहां जाऊं हीरा मंडी आप इंस्टाग्राम वर्ल्ड वाइड इट्स डूइंग सो गुड. इट्स अनबिलीवेबल डूड, इट्स क्रेजी हाउ इट हैज पेनिट्रेटेड इनटू एवरीबॉडीज लाइव्स. हीरा मंडी एवरीबॉडी इज टॉकिंग, पीपल आर नॉट एबल टू स्लीप, बोला हमको बिंज वॉच करना है, दो बार देखना है, तीन बार देखना है. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यू नो जब प्रोमो आया था, जब ट्रेलर्स आए थे तो मुझे लगा था कि यू नो जेन ज़ी शायद ना अट्रैक्ट हो पाए, बिकॉज जिस तरह से यू नो जो जिस तरह से डायलॉग्स थे, एंड जेन ज़ी बहुत ज्यादा यू नो कूल लिंगो यूज करते हैं, पर द फैक्ट इज दैट जेन ज़ी ही रील्स बना रहे हैं सबसे ज्यादा. जेन ज़ी रील्स बना रही है अभी अभी. मैंने ऑफ कैमरा आई विल शो यू समथिंग. आई जस्ट डायरेक्टेड अ रील ऑन हीरा मंडी फॉर अ फ्रेंड ऑफ माइन. सब मेरे लिए रास्ते बंद कर देंगे ना तो मैं खुद का रास्ता निकालूंगा, मैं खुद ही डायरेक्टर बनूंगा, खुद ही एक्टर बनूंगा. खुशकिस्मती है कि अभी सर ने मौका दिया मुझे लाइफ में, लेकिन अगर मुझे अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ता है जब सेट बिफोर तो मैं करता. बिकॉज आई विल कीप ट्राइंग टिल आई डाई इन माय लाइफ. आई कैन नॉट डाई माय लाइफ व्हेनेवर इन माय लाइफ थिंकिंग कि मैंने कोशिश नहीं की, गिव अप कर गया, हार मान गया, उसके वजह से उसने बोला ये फेलियर तो मान गया उसकी बात. आई विल नेवर लेट देम विन इन माय लाइफ. एंड आई थिंक टुडे इज अ टेस्टमेंट टू दैट फैक्ट टू ऑल द हेटर्स हु सेड कि भाई इसका कुछ नहीं होगा लाइफ में. व्हेन जोरावर कम्स एंड सेज कि जूता भी मारता है तो सोने का मारता है, इज एक्चुअली अ लाइन फॉर ऑल द हेटर्स आउट देयर. या डेफिनेटली. एंड डू यू फील दैट फेम इज अ गेम जब आपके पास, जब आप लाइमलाइट में होते, जैसे अब जो आपका कैरेक्टर है वो इतना पॉपुलर हो गया, हर कोई है आपके मैसेजेस पे है, फैन पेजेस में, पर आपने एक वो भी दौर देखा है जब ये सब कुछ नहीं था, इन द मिडिल व्हेन यू वर स्ट्रगलिंग, एक एक करके फिल्म्स जा रही थी, एंड जब आपने डेब्यू किया था तब भी मीडिया बहुत थी, तो इस चीज को आप किस तरह से लेते हैं? शायद कल ना हो, अगर आज है तो, और फिर से वो दिन आएगा जब इट नॉट बी देयर, लोग शायद भूल जाएं क्या आपका, यू नो. बट अ लॉट ऑफ इट आई थिंक इज इल्यूजन, और मैं रियलिटी में जीना पसंद करता हूँ. एज आई सेड कि मैं वो टर्मिनोलॉजी यूजुअली फैंस को फैंस की तरह मानता ही नहीं हूँ. आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ दीस पीपल हु आर वेल विशर्स हु admire your work, take out time to write or go pay money to go watch you, or take out time to watch you on OTT, whatever it is. I think I'm just grateful that there are people who are there, who have been rooting. You know, there is an emotional connection. They are not just there for, because I feel that it's cool, I have a fan club now, aisa kuch nahi hai. Or, you know, ye stardom or ye super stardom and all this, I don't think of it. मुझे सुबह उठ के काम पे जाना है और मुझे वो काम करना है जिससे मुझे बहुत प्यार है, जिससे मुझे खुशी होती है, पागलपन है उसके अंदर. आई वॉन्ट टू डू दैट. इसके अलावा ना मैं कुछ जानता हूँ ना जानना चाहता हूँ लाइफ में. यू नो अमेजिंग, बिकॉज मैंने जैसे इंट्रो में भी कहा था, इस वजह से मुझे एक रिस्पेक्ट है आपके लिए, बिकॉज मैंने आपका वो फेस भी देखा है और आज ये फेस भी देख रही हूँ. आई एम इमेंसली प्राउड ऑफ यू, एंड सो आर ऑफकोर्स योर पेरेंट्स फॉर श्योर, दे आर, एंड योर मदर बीइंग your mother being the happiest and your father saying things proudly about you. उनका ऐसा सीना चौड़ा हो गया है, अच्छा लगता है. I have worked for that. I have not worked because मुझे घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है. I have worked because I wanted my parents to feel proud of me. And it's they've always been proud of me, honestly. But there is something that I wanted them to be proud of. You know, when Sanjay sir spoke at the dinner table about me so openly in front of the entire world, that meant the entire world. Because उसके लिए इंतजार मैंने 15 साल किया life में कि भाई वो एक इंसान होगा जो मेरे बारे में आई होप कभी बोले वो संजय सर होंगे, मुझे ये नहीं पता था. बट इट हैपेंड,
एंड यू कांट बाय ऑल दिस. ये प्यार आप खरीद नहीं सकते, ये रिस्पेक्ट आप खरीद नहीं सकते लाइफ में. ये सिर्फ आपकी मेहनत से आपको मिल सकती है लाइफ में, और वो मेहनत मैंने 15 साल की है, यू नो. एंड आई फील लाइक दिस इज अ स्टार्ट पॉइंट. अब यहाँ से मुझे कहाँ जाना है, अब यहाँ से जर्नी बहुत लंबी है, बट आई वॉन्ट टू एंजॉय माई जर्नी. एज आई सेड, आई वांट वेक अप ईच डे, आई जस्ट वॉन्ट गुड अपॉर्चुनिटीज, यू नो. फॉर मी एट द एंड ऑफ इट, सक्सेस नीड्स टू ट्रांसलेट इन टू वर्क. दिस हैज टू ट्रांसलेट इन टू गेटिंग मोर वर्क. अगर मैं इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स का क्या करूँगा, अचार खानू बैठ गए, यू नो. फॉर मी एट द एंड ऑफ इट, पीपल हैव टू, व्हेन आई गो एंड आस्क फॉर वर्क, आई नीड टू बी गिवन दोज रोल्स. You know, where I can, you know, bring in something new or something mad or something exactly. fresh. Exactly, you need to be given I those roles. I need to be given those roles. Yeah. Where yes. you can prove, you're actor, to aapko achhe. Opportunity role aur opportunity yeah. milenge to kahan jaunga. You know, I need to get that now. Agreed. People were saying, success nahi hai, ab to hai na. Ab to hai na, there is a, I'm a part of something that's created history. Of course. I'm a part of it, right? Yeah. And people have loved me as a part of it also, you know. So, I hope that things open up the right way for me. And definitely it will, because we all are rooting for you. Hum sab aapke saath hai. Thank you so much. It was simply awesome having a conversation with you. Bahut acha laga. Dil se baatein hui, really candid. Thank you so much for your time. Thank you.